सब्सक्राइब करिए टेकिया सर यूट्यूब चैनल को, साथ में लगा बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि आपको मिले मेरे वीडियोस के अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। हेलो गाइस, वेलकम टू टेकिया सर यूट्यूब चैनल। और गाइस, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं यहां पर इन डेप्थ गेमिंग रिव्यू ऑफ न्यूली लॉन्च ASUS ZenFone Max Pro M2। और मैं आपको बता दूं, ये मेरे पास 4GB 64GB वाला वेरियंट है। हम यहाँ पर तीन बड़े बड़े गेम खेलेंगे, पबजी मोबाइल, असफाल 9 और मॉडर्न कॉम्बैट X। सारे के सारे गेम जो है 1.5GB के ऊपर के गेम है। तो इसी बात पर कर देना एक वीडियो को लाइक। ये वीडियो लाइक टारगेट रखता हूं 1000 लाइक्स का, आई होप के यहां पर आप कर दोगे। सो गाइस, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला गेम हमारी लिस्ट में यहाँ पर मॉडर्न कॉम्बैट X। लगभग ये 2GB के आसपास का गेम है और यहाँ पर ये हाई एंड डिवाइस में ही स्मूथ चलता है। साथ में यहाँ पर आपको बता दूँ, स्नैपड्रैगन का 660 देखने को मिलता है। देखते हैं हम यहाँ पर ASUS ZenFone Max Pro M2 यहाँ पर इसके ग्राफिक्स को हैंडल कर पाता है या नहीं कर पाता है। अभी के लिए यहाँ पर तो सो फार सो गुड। और एक चीज़ तो माननी पड़ेगी यार, डिस्प्ले की जो क्वालिटी है वो काफ़ी बढ़िया आ रहा है। लेकिन यार एक चीज़ नोटिसेबल है, यहाँ पर आप देख सकते हो ब्लैक पूरा है, बहुत सारी स्क्रीन यहाँ पर छोड़ दिया है, पूरी स्क्रीन पे यहाँ पर नहीं आ रहा है गेम। ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लग रही है। बाकी ऑल इन ऑल अगर देखा जाए, यहाँ पर गेमिंग एक्सपीरियंस की बात करें तो आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ चल रहा है। और जो डिस्प्ले है ना, डिस्प्ले मान गया यार, ASUS ने यहाँ पर ये फ़ोन में काफ़ी ज़बरदस्त लगाया। कलर जो है वो काफ़ी पंची है और आप देख सकते हो वाइब्रेंट डिस्प्ले है। और जो गेमिंग एक्सपीरियंस है वो आपका काफ़ी बढ़िया हो रहा है। सिर्फ यहाँ पर ये ब्लैक क्यों आ रहा है मुझे पता नहीं डिस्प्ले पे, बट स्टिल यहाँ पर गुड इनफ है। यहाँ पर अगर आप मॉडर्न कॉम्बैट X खेलने के शौकीन हो, डेफिनेटली आप ये फ़ोन पे इंजॉय करोगे। सो गाइस, सेकंड गेम है हमारी लिस्ट में असफाल 9। और आप में से बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि भाई यहाँ पर खेल के बताओ कैसा यहाँ पर चलता है। और ये गेम की बात करें तो आप देख सकते हो पूरा का पूरा यहाँ पर डिस्प्ले है, सिर्फ मॉडर्न कॉम्बैट X में आपको देखने को नहीं मिल रहा था और नॉच पे यार नहीं चलता है। सो ये चीज़ अभी आपको देखना पड़ेगी, आपको यहाँ पर ब्लैक बार देखने को मिल रहा है। सो यहाँ पर देख लेते हैं हम असफाल 9 यहाँ पर ये डिवाइस में कैसा चलता है। सो फार सो गुड। स्टिल मैं बोलूँगा यहाँ पर जो पैनल ASUS ने मतलब जो लगाया ये डिवाइस में, काफ़ी ज़्यादा पंची है और काफ़ी मज़ा आ रहा है यार, मतलब बहुत अच्छा दिख रहा है। सो टोटली इम्प्रेस विद द डिस्प्ले क्वालिटी विच है ASUS हैव प्रोवाइडेड इन ZenFone Max Pro M2। सो फार सो गुड। यहाँ पर मुझे कोई लैग या फ्रेम ड्रॉप देखने को तो नहीं मिल रहे, काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस देखने को मिल रहा है। सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर अगर आप असफाल 9 खेलने के भी शौकीन हो, डेफिनेटली आप ये गेम को भी यहाँ पर ये डिवाइस पे काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करोगे। सो गाइस, थर्ड गेम हमारी लिस्ट में पबजी मोबाइल, आप सभी का फेवरेट। और आप में से बहुत सारे लोग पूछ रहे थे भाई ये डिवाइस में क्या सेटिंग्स में चलता है और कैसी परफॉर्मेंस मिलती है। सबसे पहले तो सेटिंग्स करके आपको बता देता हूँ। और पबजी का जो लेटेस्ट वाला यहाँ पर स्नो वाला आया अपडेट, उस पर यहाँ पर मैंने इसे इंस्टॉल किया हूँ। ग्राफिक्स में अगर हम जाएंगे तो यहाँ पर आप HD और यहाँ पर हाई फ्रेम रेट्स पर खेल सकते हो। HDR का ऑप्शन अभी के लिए अवेलेबल नहीं है, तो ओके कर देते हैं। अब मैं जल्दी से यहाँ पर ये गेम को यहाँ पर स्टार्ट कर लेता हूँ और आपको बताता हूँ कैसा कुछ आपको यहाँ पर ये गेमिंग एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा ZenFone Max Pro M2 पे। सो गाइस, फाइनली हम यहाँ पर उतर चुके हैं। अब देखते हैं यहाँ पर गेमिंग एक्सपीरियंस पबजी का। और यार आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पर ग्राफिक्स देखने को मिलती है। सो फार सो गुड, मुझे यहाँ पर अच्छा लग रहा है। यहाँ पर कोई मुझे लैग या फ्रेम ड्रॉप देखने को नहीं मिल रहा है। अब देख सकते हो काफ़ी स्मूथ यहाँ पर है रनिंग बिटवीन, यहाँ पर आप देख सकते हो काफ़ी बढ़िया चल रहा है। हाई ग्राफिक सेटिंग्स में भी यहाँ पर आपको कोई भी लैग देखने को नहीं मिल रहा है पबजी में भी। और पबजी के लिए यार नेट कनेक्शन भी आपका अच्छा रहना चाहिए। सो यहाँ पर सो फार सो गुड, यहाँ पर मुझे कोई भी लैग या फ्रेम ड्रॉप देखने को नहीं मिल रहा है। जम कर लेते हैं, देख सकते हो आप यहाँ पर काफ़ी बढ़िया से यहाँ पर ये चल रहा है। सो यहाँ पर आपको कोई भी बिल्कुल भी यहाँ पर मुझे लैग नहीं लग रहा है, काफ़ी स्मूथ है। और डिस्प्ले की जो रिस्पॉन्सिवनेस है वो भी काफ़ी बढ़िया है। और जो डिस्प्ले की क्वालिटी है वो भी मुझे पर्सनली आप देख सकते हो कलर्स वगैरह कितने वाइब्रेंट लग रहे हैं। सो डेफिनेटली यार, मतलब आप अगर पबजी खेलने के शौकीन हो, डेफिनेटली आप यहाँ पर ये चीज़ में भी इंजॉय करोगे।
चले फाइनली ये किल कर दिया यार कैमरे के पीछे से, बहुत ही बड़ी बात है। सो ठीक है यार, हमारी फेवरेट गन भी आ चुकी है M1416। चलिए सो यहाँ पर अभी के लिए यार पबजी बहुत ही बढ़िया चल रहा है, कोई भी मुझे यहाँ पर लैग वगैरह देखने को नहीं मिल रहा है। सो गाइस इतना बस हो गया यहाँ पर, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो पबजी गेमिंग में भी आपको कोई भी लैग वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। सो गाइस ये तो हमारा इन डेप्थ यहाँ पर गेमिंग रिव्यू, और यार स्नैपड्रैगन का 660 है भले ही अंडर क्लॉक्ड है, तो क्या कि ये गेमिंग एक्सपीरियंस पे फ़र्क पड़ेगा? तो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। और यार हीटिंग इश्यूज़ की बात करें तो ये पोर्शन जो है ना, ये फिंगरप्रिंट स्कैनर के ऊपर वाला स्लाइटली वार्म हो गया है। वार्म मतलब हल्का सी आप बोल सकते हो, नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा टेम्परेचर हो गया है, लेकिन बिल्कुल भी हॉट नहीं हुआ है। तो यहाँ पर आपको ये डिवाइस में कोई भी हीटिंग इशूज़ देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पर भी ऊपर की तरफ हल्का सी वार्म हो गया है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो गेमिंग एक्सपीरियंस है वो फ़ोन में काफ़ी बढ़िया है, और ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है आपका गेमिंग एक्सपीरियंस हो एज वेल एज जो हीटिंग इश्यूज है वो आपको फोन में देखने को नहीं मिलती है। तो आप यहां पर Asus ZenFone Max Pro M2 अगर गेमिंग के लिए ले लेते हो तो काफी बढ़िया बात है, और बैटरी लाइफ भी 5000 mAh की है, डिस्प्ले भी इतना बड़ा है, तो डेफिनेटली आप यहां पर आप गेमिंग जो है बहुत ही बढ़िया तरीके से इंजॉय कर सकते हो। बाकी आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना आपको गेमिंग रिव्यू कैसा लगा, और आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना ये फोन के साथ में और आपको कौन कौन सी वीडियो देखना है, कंपैरिजन वीडियो, कैमरा कंपैरिजन, ये गेमिंग की आपको और क्या क्या वीडियो देखना है मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। आई होप कि मेरी तरफ से आपको वीडियो पसंद आई होगी, और गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलता है फिर से अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए।